आज ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स के द्वारा अपने बैंक को बचाने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए तपती धूप में जमीन पर बैठकर प्रधान कार्यालय दिल्ली के समक्ष धरना देकर अपना रोष प्रकट किया। जोर से बोलो जिंदाबाद, जोर से बोलो। धरने का नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड कृष्ण कुमार ने किया, साथ ही अलग अलग राज्यों से आए राज्य मंत्री व संगठन के विभिन्न मंडलों से आए तमाम पदाधिकारियों ने इस रोष प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह धरना शाखाओं में घटते स्टाफ को लेकर, शाखाओं के नए वर्गीकरण को लेकर और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी की अवहेलना को लेकर किया गया। आज ये हम पंजाब नेशनल बैंक को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अभी दो बैंक और मर्ज हुए हैं, एक चार से ये बैंक और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और हमारे प्रबंधन ने बड़े बैंक के साथ कंपेयर करने के लिए, दूसरे बड़े बैंक को प्राइवेट बैंकों के साथ कंपेयर करने के लिए पॉलिसी तो ऐसी बना ली है कि सब वर्टिकल, हर एक काम वर्टिकल से होगा, लेकिन स्टाफ वो का वही है, स्टाफ घटता जा रहा है, स्टाफ की कोई रिक्रूटमेंट नहीं। तो जो बेसिकली जो स्टाफ हमारे ब्रांचेज में था उसको निकाल के वर्टिकल्स में दे रहे हैं, तो ना वर्टिकल में काम हो रहा है और ना ब्रांचेज में काम हो रहा है, दोनों जगह नुकसान हो रहा है, पब्लिक परेशान है, स्टाफ भी परेशान है और बैंक का बिजनेस कहीं बढ़ नहीं पा रहा है। नई भर्ती कोई की नहीं है, सारे ऑफिसेज ब्रांचों में उठा के लगा दिए और ब्रांचों की कैटेगराइजेशन इतनी बढ़ा दी है कि जो सीनियर मैनेजर पहले 175 करोड़ की ब्रांच संभालता था अब उसका 300 करोड़ कर दिया है। स्टाफ बहुत कम हो गया है और उसकी जो स्टाफ कम होने की वजह से काम उतना ही है, काम बढ़ गया है, कस्टमर जो हमारी सर्विस है वो बहुत उससे सफ़र करेगी। ब्रांच कैटेगराइजेशन चेंज कर दी, ब्रांचों में स्ट्रेंथ कम कर दी, उसके हिसाब से जब कंप्लेंट्स करते हैं कस्टमर तो हमारी एक स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी है उसको भी वायलेट बैंक कर रहा है। प्रोटेक्ट पीएनबी एंड मूवमेंट के नाम से शुरू हुई यह मुहिम मंडल कार्यालय से शुरू होते हुए अचल कार्यालय और अब प्रधान कार्यालय की ओर मुड़ चुकी है। अगर अधिकारियों की मांग नहीं मानी गई तो दो दिवसीय हड़ताल का भी निर्णय लिया गया है ताकि हम अपने अधिकारियों के, शाखाओं के और बैंक के हितों की रक्षा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दिल्ली न्यूज़।